भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज जारी है, जिसके 2 मुकाबले हो चुके हैं। दूसरे मुकाबले का वक्त बदल गया था, क्योंकि पहले टीम इंडिया के किट बैग नहीं आए थे। 8 बजे की बजाय 10 बजे शुरू होना था, लेकिन अंत में जाके 11 बजे शुरू हुआ। लेकिन अब खबर ये भी आ गई है कि तीसरे T20 मुकाबले में भी मैच का टाइम बदल गया, यानी कि भारतीय फैंस को अब देर रात तक मैच देखना होगा। क्योंकि ये सब इसलिए हुआ है कि दूसरा मुकाबला काफ़ी देर तक खत्म हुआ, क्योंकि मैच जो तय समय में शुरू होता वो हुआ नहीं। लेकिन अब तीसरा T20 मुकाबला भी जो है वो अब काफ़ी देर से शुरू होगा, जिसके कारण भारतीय फैंस को अब भारत में देर रात तक इस मुकाबले को देखना होगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब मैच का टाइम क्या हो गया है। अब तीसरे T20 मुकाबले का जो है टाइम जो बदल गया, जैसा हम आपको बता रहे हैं। पहले मुकाबला जो है 8 बजे होने वाला था, 7:30 बजे टॉस होता, लेकिन अब इस मुकाबले का वक्त 9:30 बजे कर दिया गया है। यानी कि अब 9 बजे टॉस होगा और 9:30 बजे मुकाबला होगा। यानी कि जितने भी भारतीय फैंस हैं जो घर पे मैच देखेंगे, उनको देर रात तक जगना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये पहला वाक्य नहीं है कि जब मैच का वक्त चेंज हो रहा है। दूसरे मुकाबले में हमने सबके सामने देखा कि 8 बजे मैच होना था, उससे कुछ देर पहले खबर आती है कि किट बैग नहीं आए, तो चलिए 10 बजे तक मैच हो जाएगा। लेकिन उसके बाद पता लगा कि 10 भी नहीं, 10:30 टॉस होगा, 11 बजे से मैच शुरू होगा। और फिर जो मैच है काफ़ी देर तक भारत के समय अनुसार लंबा गया। हालांकि काफ़ी क्रिकेट फैंस ने मैच को देखा भी, लेकिन बहुत देर तक ये मुकाबला T20 चला। उम्मीद की जा रही थी जो 8 बजे शुरू होकर 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मुकाबला 2:30 बजे तक चला। और अब तीसरे T20 का जो टाइम है वो भी बदल चुका, और अब ये मुकाबला जो है आप 3 घंटे लगा सकते हैं। अगर 9:30 बजे ये मुकाबला शुरू होता है तो लगभग 12 बजे के बाद तक ये मुकाबला जाएगा। अगर वेस्ट इंडीज़ के इस दौरे को देखें, जो T20 मुकाबला, इसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहला मुकाबला किसी तरह हो गया, दूसरे में इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, तीसरे का वक्त बदल गया, चौथा और पांचवा जो मुकाबला है वो US में जाके खेलना है, लेकिन वहाँ के लिए अभी तक वीज़ा नहीं लगा। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी भारतीय टीम और वेस्ट इंडीज़ टीम को यहीं पे वेस्ट इंडीज़ में दोनों मैच ख़त्म करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के ये वेस्ट इंडीज़ मैनेजमेंट पर जो है वो सवाल अब उठते जा रहे हैं कि क्या अगर आप सीरीज़ नहीं करवा सकते थे बेहतर तरीके से, तो क्या आप सीरीज़ आगे भविष्य में वेस्ट इंडीज़ में होनी चाहिए? क्या वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट सही मायने में अब गिरता जा रहा है, यूँ कह लीजिए ख़त्म हो रहा है?